आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती के संबंध में एक न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें यहाँ पर टॉपर अभ्यर्थी को जो है नियुक्ति नहीं दी। और शिक्षा विभाग ने ऐसा क्यों किया कि टॉपर जो मेरिट लिस्ट में टॉप आने के बाद भी इनको यहाँ पर नियुक्ति क्यों नहीं दी, इसके संबंध में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आप लोग देहरादून से अपडेट हैं, यहाँ पर मेरिट लिस्ट टॉपर को यहाँ पर नहीं मिली जॉब और 30 साल संघर्ष कर पाई और नौकरी, और उसके बाद जो है 8 लाख जो है मुआवजा भी मिला। तो यहाँ पर देखते हैं, हम बात कर रहे हैं शिक्षक गेरोल्ड जॉन के बारे में, जिन्होंने यहाँ पर जो है अपने जो है 30 साल के करियर जो है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जो है लड़ाई करी, और इस पर यहाँ पर जो है अब फाइनली जो है यहाँ पर सरकार ने भी और कोर्ट ने भी यहाँ पर जो है माना है, और इनको जो है यहाँ पर 30 साल के बाद अब जो है सरकारी शिक्षक यहाँ पर जो है मौका मिल चुका है। और इसमें आप लोग देखते हैं जो कि देहरादून के जो है यहाँ पर CNI इंटर कॉलेज में यहाँ पर जो है वाणिज्य प्रवक्ता की जो है पोस्ट निकाली गई थी सन 1989 में। यहाँ पर जो है जिनमें इंटरव्यू राउंड में जो है जो शिक्षक गेरोड जॉन है उनको यहाँ पर यहाँ पर जो है टॉपर रहे थे, मगर जो है शिक्षा विभाग ने जो है उनको यहाँ पर नियुक्ति नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर जो है उनको शॉर्ट हैंड का जो है ज्ञान नहीं था। सिर्फ शॉर्ट हैंड ज्ञान नहीं होने की वजह से टॉपर रहे, जो ये इनको जो है यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। मगर इंटरव्यू में जो है दूसरे नंबर पर रहे जो अशोक वर्मा है, उनको यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग के जो है प्रवक्ता के पद पर जो है नियुक्ति दे दी। तो यहाँ पर जो इनके साथ जो सेकेंड नंबर पर थे उनको यहाँ पर नियुक्ति दे देगी, लेकिन फर्स्ट वाले जो अभ्यर्थी थे इनको नियुक्ति नहीं मिली थी। तो मेरिट में जो है उनका पहला नंबर था, मगर नौकरी मिली दूसरे शिक्षक को, इसी वजह से यहाँ पर कोर्ट में केस फाइल करा, और लगभग जो है 30 साल के संघर्ष के बाद अब इनको यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जो यहाँ पर इनका लगभग जो है मुआवजा भी 80 लाख रुपया कर दिया गया है, जो कि कोर्ट के आदेश जारी हो चुके हैं। और उसके साथ साथ 30 साल के बाद जो है इनको शिक्षक अब नियुक्ति कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर इनकी नियुक्ति हो चुकी है, जो कि इनको यहाँ पर प्रवक्ता लेवल पर जो 1989 में यहाँ पर इनकी भर्ती होनी थी, लेकिन 30 साल के बाद अब जो है यहाँ पर इतने संघर्ष के बाद इनको यहाँ पर नियुक्ति मिल गई है, और इनको साथ में मुआवजा भी दिया गया है।